To allow all attendees to hear you, this system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. GIT के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइसेज, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि अगर किसी को आवाज में दिक्कत आ रही है तो उस ऐप में देखिएगा सबसे दाहिने तरफ सबसे ऊपर यानी टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स बने हुए हैं। उन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो ऑप्शन। ऑडियो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बार डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑडियो पर, फिर दोबारा उसको कनेक्ट करना। इस तरीके से करेंगे तो आवाज वाली जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। उसके बाद भी अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, तो मतलब नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे नेटवर्क का सिलेक्शन करें जहां पर ऐसे स्थान का भी सिलेक्शन करें जहां पर नेटवर्क आपको बेहतर मिले। तो कल इनपुट की क्लास कराई गई, उसका वीडियो कल की डेट में शेयर नहीं हो पाया था, थोड़ा इंटरनेट का स्पीड स्लो था हमारे यहाँ, लेकिन आज सुबह मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग उसको देखिए और उसको फिर समझिए, फिर भी जो डाउट्स आए उसको क्वेश्चन में पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज का क्लास का मुख्य टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले आउटपुट उपकरण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है। आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला रिजल्ट ही हमारा आउटपुट कहलाता है। द थर्ड ऑपरेशन, ये तीसरी प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑपरेशन हमारी इनपुट की होती है, सेकंड हमारी प्रोसेसिंग की होती है और थर्ड ऑपरेशन हमारा आउटपुट का होता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तीसरा पॉइंट है द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, यानी कंप्यूटर हमें उस वे में रिजल्ट को देखता है, उस माध्यम से रिजल्ट देता है जिस माध्यम से पीपल समझ सके, लोग समझ सके, यानी ऐसे रिजल्ट हमारे सामने शो होते हैं जो हम उसको समझ सकते हैं। डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा की प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में की जाती है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाया गया है और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सीपीयू से डाटा हमारा मॉनिटर की तरफ जा रहा है, यानी एक एनिमेटेड एरो है। इस एरो में आप देखेंगे तो सीपीयू से एक डाटा हमारे मॉनिटर की तरफ जा रहा है, यानी डाटा का फ्लो हमारा सीपीयू से मॉनिटर की तरफ होता है। तो सीपीयू में ही सारी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी डाटा है वो डाटा हमारा मॉनिटर की तरफ फ्लो होता। तो सबसे पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसका हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यहां पर चित्र में आप लोगों के सामने कुछ आउटपुट डिवाइसेस दिखाई गई हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले जैसे स्पीकर, स्पीकर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनमें से ज्यादातर डिवाइस किससे आप लोग परिचित हैं, ज्यादातर डिवाइस की वर्किंग आप लोग जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टर से। आप लोग अपने क्लासेज में देखे होंगे, जहां अपनी कोचिंग में भी आप लोग देखिए कि पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्टर लगाया गया है। तो प्रोजेक्टर करता क्या है,
जो कंप्यूटर का पिक्चर है उसको किसी बड़े पर्दे पर दिखाता है। तो बड़े पर्दे पर दिखाने का जो काम है उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने वाला उपकरण ही प्रोजेक्टर कहलाता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को किसी बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर बड़ी मॉनिटर की जरूरत है या टेलीविजन की जरूरत है वहां पर प्रोजेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम या ऑडिटोरियम में किया जाता है। इसकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, इसलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं। क्योंकि इमेज लाइट से बनती है इसलिए इसकी इमेज हमेशा पारदर्शी होती है। बिजनेस की मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल की क्लासेज में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक टीवी या कंप्यूटर को एक बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सम्मेलन केंद्र अगर कहीं पर है तो वहां भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का डेमो दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अपियरेंस के लिए दीवार, घर या अन्य वस्तुओं को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड चीज हम लोग को जानना है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली यानी टेक्निकल भाषा में विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब कंप्यूटर के भीतर क्या प्रोसेसिंग हो रही है उसको देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर हमारा जो भी काम कर रहा है उसे देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपके स्क्रीन में आप दाहिने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉनिटर दिखाई गया है। अब मॉनिटर एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो अडाप्टर से वीजीओ केबल के द्वारा जुड़ा। मॉनिटर हमारे कई प्रकार के आते हैं जैसे एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा सफल मॉनिटर है वह हमारा एलईडी मॉनिटर होते हैं। आजकल देखिए जो टेलीविजन भी हमारे पास आते हैं वो भी एलईडी बेस्ड पर ही होते हैं। एलईडी शब्द का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकल रूप से विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यानी अगर कंप्यूटर का विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाए या कंप्यूटर का मॉनिटर कहा जाए दोनों चीजें सेम होती हैं। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइसेज है। आउटपुट डिवाइसेज का मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में होने वाली इवेंट्स को हम देख सकते हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहती है, जो कि सीपीयू की एक बड़ी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर की स्क्रीन पर शो कराता है। यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। यह माउस के मदरबोर्ड में लगे वीडियो अडाप्टर से वीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। हमको मॉनिटर के बारे में समझना है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मॉनिटर हैं, करंट में कौन सा मॉनिटर वर्किंग में है। तो सबसे पहला, सबसे पुराना मॉनिटर हमारे सामने है सीआरटी। आप चित्र में देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे दो मॉनिटर दिखाए गए हैं। ये दोनों हमारे सीआरटी मॉनिटर हैं। ये मॉनिटर अब प्रायः इस्तेमाल में नहीं आते हैं। आप रेयर ही कहीं पर देखेंगे कि आज के समय में इस मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह मॉनिटर कहा जाए तो एक तरीके से आउटडेटेड है, लेकिन इस मॉनिटर के यही सबसे पहला मॉनिटर जो आविष्कार किया गया था। इसे इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। जैसे टेलीविजन में पहले पिक्चर ट्यूब लगा होता था, सेम ऐसा पिक्चर ट्यूब हमारे मॉनिटर में भी होता था। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है। आप यहाँ चित्र में देखेंगे तो ये यहाँ पर एक कैथोड दिया गया है, यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है, कंट्रोल ग्रिड है और उसके साथ ये एनालॉग की स्क्रीन दिखाई गई है। साथ में दो डिफ्लेक्शन क्वाइल लगाए गए हैं और दो फ्यूजिंग क्वाइल लगाई गई है और उसके साथ एक फास्फोरस की स्क्रीन दी गई है। अब फास्फोरस की स्क्रीन का ये गुण होता है कि जब इस स्क्रीन से कोई भी किरण टकराती है तो स्क्रीन का वह पर्टिकुलर पिक्सल चमकने लगता है। इस तरह इमेजेस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट को जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है
उस इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो कंट्रोल ग्रिड लगाए गए हैं और उनको एक जो है एनोड के अंदर से पास कराया जाता है। यह एनोड जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर और उस स्क्रीन से जैसे टकराता है उस स्क्रीन का पिक्सल चमकने लगता है और हमें इमेज या लेआउट साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब इस कैथोड ट्यूब में की सबसे ड्रॉबैक ये था कि यह कैथोड ट्यूब पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, इसका वजन ज्यादा होता है और यह स्थान भी ज्यादा घेरता है अपेक्षाकृत एलसीडी एलईडी मॉनिटर, इसलिए इसका प्रयोग अब प्रायः ना के बराबर होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे सामने है एलईडी मॉनिटर। एलईडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता, एलसीडी पतला सा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है। इसके नाम से ही इसके काम का पता चलता है। इसमें ग्राफिक्स के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। यह कम जगह लेता है, कम ऊर्जा लेता है और पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब की अपेक्षाकृत हीटिंग एलसीडी डायरेक्ट प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कई बार आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी जब मॉनिटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या कहीं कहीं पर इसको लिक्विड क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एक लिक्विड के क्रिस्टल होते हैं जो फ्लो होते हैं, उनकी फ्लो के साथ इमेज जनरेट होता है जो हमको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो आजकल इस मॉनिटर को भी हम प्रायः देखते हैं। तो तीसरा मॉनिटर हम लोगों के सामने है टीएफटी मॉनिटर। टीएफटी मॉनिटर का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। वैसे इस स्क्रीन का ज्यादातर प्रयोग हमारे नोटबुक में किया जाता है, पहले मोबाइल फोन की स्क्रीन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है, इसका वजन हल्का होता है, यह बिजली की खपत भी कम करता है। ठीक है, तो ये होते हमारे टीएफटी मॉनिटर। तो सीआरटी को सबसे पहले रिप्लेस किया गया था टीएफटी मॉनिटर से। अगला टॉपिक हम लोगों के सामने है एलईडी मॉनिटर। सबसे लेटेस्ट टेक्निक यह है एलईडी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। एलईडी को आईआरईडी इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरी या नीली होती है। एलईडी में दो सेमी कंडक्टर लगे होते हैं। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न होता है कि सर सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसकी जानकारी के लिए आप लोग बता दें। बहुत सारे लोग आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि जो पदार्थ होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर को बोला जाता है अर्धचालक, जो कुछ परिस्थितियों में चालक की तरह बिहेव करते हैं और कुछ परिस्थितियों में कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकृति में दो सेमी कंडक्टर होते हैं, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ही दो मेन हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं। एलईडी की सबसे खास विशेषता यह होती है कि यह बहुत ही हल्का होता है, साथ में यह पतला भी होता है, स्थान कम ग्रहण करता है, बिजली की खपत कम करता है, इसलिए एलईडी की टेक्निक आजकल सबसे ज्यादा सफल है। दूसरा आउटपुट डिवाइस हमारे सामने प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। अगर हमें अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज दिखाई दे रही है और उसका हम प्रिंटआउट निकालना चाहें तो वह प्रिंटआउट हम हार्ड कॉपी में निकालने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है, यानी जो कागज पर प्रिंटआउट निकलता है ना उसी को हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से परिणामों को धीरे 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 प्रिंट करता है। प्रिंटर को इतने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रिंटर है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर।
नॉन एम्पायर प्रिंटर में भी लेजर, इंकजेट और थर्मल तीन प्रिंटर बताए। अब इनको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करके समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग की विधि क्या होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ते हैं, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज या रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षर यानी सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इम्पैक्ट शब्द का मतलब होता है प्रभाव। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हैमर होते हैं और जो प्रिंट हेड होते हैं, ये दोनों आपस में टकराते हैं जिससे कागज और कागज पर एक इंप्रेशन बनता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां होती हैं, और जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इतने प्रकार की विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। आप सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में सोचिए। इस प्रकार का प्रिंटर आप लोग प्रायः पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे, गैस की एजेंसीज में भी ऐसे प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमको प्रिंटिंग ज्यादा करना है। और हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारी प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो कम आए, वहां पर ऐसे प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र में आप देखेंगे तो इस प्रकार का प्रिंटर आपको दिखाई देता है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का डॉट मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिने होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर छोटा सा प्रिंट हेड दिखाया गया है। इस प्रिंट हेड में पिनों से ही सारे पिनों के माध्यम से सारे डॉट्स बनते हैं और इन डॉट्स की कॉम्बिनेशन से ही हमारा पूरा का पूरा इमेज क्लियर होता है। तो डॉट्स के मैट्रिक्स से बनता है, डॉट्स के समूह से बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंट हेड से बाहर निकलने वाले डॉट्स ही प्रिंटिंग का कार्य करती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट स्पीड 30 से लेकर 600 कैरेक्टर प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में 30 से लेकर 600 कैरेक्टर तक की इनकी प्रिंटिंग स्पीड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग की स्पीड जितनी हम कम प्रिंटिंग की स्पीड रखें उतनी ही इमेज की क्वालिटी अच्छी रहेगी। डेजी व्हील प्रिंटर, यह एक ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए रख दिया गया है क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प यानी एक फूल आता है जिसका नाम है डेजी। डेजी का हिंदी होता है गुलबहार से मिलता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में किया जाता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग कहलाती है। इसकी प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है। लाइन प्रिंटर, अगला प्रिंटर हमारा है लाइन प्रिंटर। यह भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसे कंप्यूटर के लिए उच्च गति यानी हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन को ही एक बार में छाप दे सकते हैं। जैसे हमने देखा डॉट मैट्रिक प्रिंटर तो वो एक एक डॉट करके छापते हैं, उनको छापने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन जो ये लाइन प्रिंटर होते हैं ये पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट कर देते हैं। इसलिए इनका प्रयोग ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है जहां पर हमें स्पीड की जरूरत हो, हमें जल्दी से छापना होता है, वहां पर लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी छापने की जो गति होती है वह 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट। सोचिए कि यह प्रिंटर इतना तेजी से छापता है कि एक मिनट में 300 से लेकर 3000 लाइनों को प्रिंट कर सकता है। ये प्रिंटर मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो सबसे पहले ड्रम प्रिंटर के बारे में समझिए। ड्रम प्रिंटर में तेजी से घूमने वाला ड्रम होता है। ड्रम प्रिंटर के चित्र को पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ड्रम बनाया गया है और ड्रम और ये है पेपर। तो ड्रम और पेपर के बीच में एक रिबन लगाया गया है। तो जब ये प्रिंट हेड जिसको प्रिंट हैमर बोला जाता है इस पेपर को दबाएगा तो पेपर जो ये ड्रम है इस ड्रम पर जो उल्टे अक्षर छपे हुए हैं यह इस रिबन के माध्यम से हमारे कागज पर उसका इंप्रेशन बनता है और यह इसकी प्रिंटिंग मैकेनिज्म होती है।
जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, आप कभी भी देखिए, आप दो पेपर के बीच में एक कार्बन पेपर लगाइए, फिर ऊपर के पेपर पर अगर लिखेंगे तो नीचे के पेपर पर ऑटोमेटिक आ जाता है। सेम ऐसे मैकेनिज्म यहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है कि प्रिंटहेड जब उसको दबाता है तो उसका इंप्रेशन पेपर पर पड़ता है रिबन के माध्यम से। ये पूरी इसकी वर्किंग हो गई। अगला है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में क्या होता है, एक प्रकार की चेन बनी होती है, एक श्रृंखला बनी होती है। जैसे देखिए यहाँ चेन को बारे में दिखाया गया है और यहाँ पर उल्टे सारे अक्षर छपे होते हैं। यहाँ पर देखिए ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, सी लिखा है, डी लिखा है, ये सारा इस चेन पे लिखा होता है जिसको बैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर बीच में रिबन होता है और रिबन के साथ ही पेपर होते हैं और ये हैमर लगा होता है। तो हैमर का काम होता है पेपर को दबाना और रिबन से उसका इंप्रेशन बनता है। तो जो भी इस बैंड में होता है वो सारा बैंड हमारे पेपर पर छपता है और ये पेपर का जो सामने से हिस्सा आपका दिख रहा है ये वास्तव में पेपर का बैक साइड का इंप्रेशन है और पेपर की प्रिंटिंग सामने की तरफ से की जाती है। यह होती है हमारी चेन प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंटेड कागज या कागज के द्वारा संपर्क नहीं होता। इसमें लेजर प्रिंटिंग के द्वारा तकनीक दी जाती है इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इंकजेट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो यह काफी सफल टेक्निक है नॉन इंकजेट प्रिंटर। नॉन इंकजेट प्रिंटिंग की सबसे खास बात यह है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी रिबन, हैमर और पेपर आपस में टकराते नहीं है, केवल अल्ट्रा वायलेट किरणों का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किया जाता है। इसलिए यहां पर कहीं पर साउंड नहीं पैदा होता है क्योंकि साउंड तब जनरेट होता है जब दो चीजें आपस में टकराए। यहां पर कहीं पर भी कोई टकराहट नहीं होती है, इस वजह से कोई साउंड जनरेट नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल साइलेंट प्रिंटर की तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर के बारे में एक बड़ा सा नोट्स आपको दिया गया है। लेजर प्रिंटर के बारे में हम आपको बताते हैं कि लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की मैकेनिज्म इस्तेमाल की जाती है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी या जेराक्स मशीनों के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रिंटर में ऐसा कार्टिज प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है जिसे टोनर कहते हैं। साथ ही इसमें लेजर किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत होता है और एक धनावेशित फोटो संवेदी ड्रम होता है। तीन ही चीज मेन है, एक तो है हमारा टोनर, एक हमारा यहां पर टोनर है, ये हमारा टोनर है, एक मेन यूज इसका होता है, एक हमारा लेजर जनरेट करने वाला स्रोत है लेजर प्रिंटर में, और तीसरा है हमारा धनावेशित फोटो संवेदी ड्रम। इन तीन चीजों से ही होता है। लेजर स्रोत का काम क्या है? लेजर किरण को उत्पन्न कर, ठीक। और यह इसमें परावर्तन के लिए दर्पण यानी मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो दर्पण से परावर्तित होकर यह धनावेशित फोटो संवेदी ड्रम से जाकर टकराता है और लेजर किरण ड्रम के जिस भाग से टकराता है उस भाग को धनावेश को मिटाकर ऋणावेश में बदल देता है, यानी उसका जो पॉजिटिविटी है उसको हटाकर उसको एक ऋणावेशित कर देता है, उसमें नेगेटिविटी ला देता है। और इस प्रकार ड्रम के पूरे पेज में जो प्रिंट होता है उसका इमेज तैयार होता है। जब यह ड्रम घूमता है तो इसमें ऋणावेशित स्थान पर धनावेशित टोनर चिपक जाता है। जो भी नेगेटिव प्लेस होते हैं, टोनर चूंकि हमारा धनावेशित है और हमेशा आप देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव धनावेश में हमेशा आकर्षण होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, आप लोग बचपन में हो सकता है प्रैक्टिकल किए हों, अगर कोई चिंबक है और चिंबक में एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है और कोई दूसरा चुंबक है और इसमें भी इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट होते हैं। सेम वही चीज है कि जो हमारा ये टोनर है ये पॉजिटिव है और ये जो ड्रम है ये निगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो जहां पर इंप्रेशन बनना होता है वहां पर जो पाउडर चिपक जाता है और पाउडर चिपकने के बाद जब वो पेपर से टकराता है तो वहां पर इंक वो अपने इंक को छोड़ देता है। फिर वह पेपर
पर परमानेंट इम्प्रेस बनाने के लिए उसको एक पेपर ड्रम से के करीब से गुजारना होता है। देखिए तो रिडावेसी टोनर कागज पर स्थानांतरित हो जाते हैं जिससे आउटपुट कागज पर छप जाता है। यह आउटपुट भी अस्थायी होता है जिससे अस्थायी रूप से कागज पर छापने के लिए कागज को एक गर्म रोलर से घुमा के अंदर से प्रवेश कराया जाता है। अब ये जब गर्म रोलर के अंदर से जाएगा तो जो पाउडर उस पेपर पे चिपका हुआ है टोनर के रूप में वह टोनर से चिपक जाए। सामान्यतः लेजर प्रिंटर में अपना एक माइक्रो प्रोसेसर और रैम और रोम भी होता है। इसके रोम से प्रिंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोग्राम लोड होते हैं। जिस लेजर प्रिंटर में छपाई की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है यह 300 से लेकर 1200 डीपीआई तक की रेजोल्यूशन में छपाई करता है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, 1 इंच में बनने वाले डॉट्स की संख्या, और इसकी गति 1 से लेकर 20 पेज प्रति मिनट तक होती है। इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में छपाई के लिए किया जाता है, साथ ही इसका प्रयोग आपसे प्रिंटर या मास्टर कॉपी छापने में किया जाता है। तो ये हो गया लेजर प्रिंटर के बारे में। आप इस नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब इस नोट्स को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब इसको पढ़ेंगे तब तो इसकी सारी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास लेजर प्रिंटर के बाद, नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया जाने वाला प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं होता। इसका प्रयोग आप एटीएम मशीन में देखेंगे, आप जब कोई बस में यात्रा करिए तो जो आपको टिकट मिलता है वह भी इसी प्रकार के प्रिंटर से प्रिंट होता है। आप शॉपिंग मॉल में जाइए वहां पर जो बिल आपको प्रिंट करके मिलता है वो भी थर्मल प्रिंटर से मिलता है, और यह एक प्रकार का अस्थायी बिल होता है। थर्मल प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है जिसे थर्मल पेपर कहा जाता है जो ताप संवेदी होता है। थर्मल प्रिंटर में 2 प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, एक डायरेक्ट थर्मल और एक थर्मल ट्रांसफर। इन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग आप ज्यादातर देखेंगे एटीएम में जो पेपर की स्लिप निकलती है वहां पर इस्तेमाल होता है, जो आपको मिलता है टिकट बसों में जो टिकट मिलता है वहां पर इस्तेमाल होता है, एटीएम की जो स्लिप निकलती है वहां पर इस्तेमाल होता है, या बिजली का बिल जो आपके पास आता है आप उसको भी देखिए तो भी थर्मल टेक्निक से बनाया गया एक प्रकार का प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नेक्स्ट है हमारा। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है आज के समय में। कारण यह है कि जो हमारा लेजर प्रिंटर है वह बिजली ज्यादा कंज्यूम करता है, पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, और वह पावर इसलिए ज्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि उसमें पेपर को हीट करने के लिए, अस्थायी प्रिंटिंग के लिए रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इंकजेट जो प्रिंटर होता है यह आपके घर में जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उससे भी चल सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा ज्यादा किया। आजकल देखिए आप जितने भी छोटी छोटी दुकानें हैं, जनसेवा केंद्र हैं, आधार के सेंटर्स हैं, हर जगह जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है वह इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट एक प्रकार का नॉन इंकजेट प्रिंटर है जिसका प्रयोग घर, छोटे ऑफिस या फोटो प्रिंटिंग में सबसे अधिक किया जाता है। इसका कारण क्या है कि इसकी कीमत भी कम होती है और इसमें पावर भी कम कंज्यूम होता है और इसका रख रखाव भी थोड़ा सा आसान होता है। प्रिंटिंग की क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, कीमत का कम होना, सामान्यतः इसकी कीमत मात्र 1500 रुपए से प्रारंभ हो जाती है। प्रिंटिंग की क्वालिटी इसकी 300 DPI होती है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, 1 इंच में बनने वाले डॉट्स की संख्या, तथा प्रिंटिंग की गति 1 से लेकर 20 पेज पर मिनट तक की होती है। इसमें मुख्य रूप से 2 हार्डवेयर होते हैं, एक होता है इंक कार्टेज और दूसरा आता है प्रिंट हेड। इंक कार्टेज भाग में प्रिंटिंग के लिए इंक होते हैं। यदि प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें एक काले रंग का इंक कार्टेज होता है, और रंगीन है तो 4 यानी स्यान, मैजेंडा, येलो की
रंग के कार्टेज होते हैं, इसलिए रंगीन इंकजेट प्रिंटर को CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। सी मतलब सियान, एम मतलब मैजेंडा, वाई मतलब एलो, ठीक। तो ये सारे कलर से मिलकर बना होता है, इनमें चार रंगों का अलग अलग अनुपात मिलाकर बाकी सारे रंगों को तैयार किया जाता है। प्रिंट हेड में बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें नोजल कहा जाता है। इनका कार्य प्रिंटिंग के दौरान पेपर पर इंक ड्रॉप करना या स्प्रे करना होता है। इस प्रकार इंक जेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें पेपर पर नोजल की सहायता से स्याही की बूंदों की बौछार करके प्रिंटिंग किया जाता है। इसमें नोजल की जो संख्या होती है वो 300 से लेके 600 तक की होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें नोजल की संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर होगा 300 से लेकर 600 के बीच। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंकजेट प्रिंटर में हमारे कितने कलर होते हैं, तो इसमें कलर चार होते हैं, CMYK। इंकजेट प्रिंटर की डीपीआई कितनी होती है, तो डीपीआई इसकी 300 होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। दूसरी चीज, इसकी प्रिंटिंग की स्पीड कितनी होती है, तो इसकी प्रिंटिंग की स्पीड 1 से लेकर 20 पेज पर मिनट की होती है। और इसमें हार्डवेयर के दो ही मुख्य भाग हैं, एक तो इंक का कार्टेज है और दूसरा प्रिंट का हेड, यही दो ही मेन हार्डवेयर हैं जिनका इस्तेमाल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, जिसे ऑल इन वन प्रिंटर भी बोला जाता है। ऑल इन वन प्रिंटर का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंटर जिससे आप प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी, ये तीनों प्रकार की वर्किंग कर सकें, वह हमारा कहलाता है ऑल इन वन प्रिंटर। एक ऐसा प्रिंटर जिससे आप प्रिंट कर सकें, स्कैन कर सकें, फोटोकॉपी कर सकें, वह प्रिंटर हमारा कहलाता है ऑल इन वन प्रिंटर। एक ही प्रिंटर से तीनों एक्टिविटी कर सकते हैं। इसको मल्टी फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे इसका प्रयोग हम मल्टीपर्पज कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं, पेपर की स्कैनिंग भी कर सकते हैं और प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद फैक्स भी भेज सकते हैं, वह मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहलाता है। मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य, जैसे प्रिंटर का कार्य, स्कैनर का कार्य, कॉपियर का कार्य और फैक्स मशीनों का कार्य, ये चार अलग अलग मशीन है। फैक्स की मशीन पहले अलग आती थी, फोटोकॉपी के लिए अलग मशीन आती थी, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए स्कैनर अलग आता था और प्रिंटर अलग आता था, लेकिन इन चारों मशीनों को जोड़कर एक मशीन बना दी गई, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यों, जैसे होम, घर का कार्य करना है, ऑफिस का काम करना है, के लिए ज्यादा उपयोग होते हैं। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंट विधि का प्रयोग होता है। कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर का भी प्रयोग किया जाता है, जो डिजिटल कैमरे से कंप्यूटर में प्रयोग करने के बगैर सीधे इमेज को छाप सकता है। कार्ड रीडर जैसे पहले प्रयोग किए जाते थे आपके मेमोरी कार्ड में कोई भी चीज भरने के लिए, वो कार्ड रीडर इस प्रिंटर में भी कुछ प्रिंटरों में इनबिल्ट आता है, जिसके द्वारा हम डायरेक्टली जो है कोई भी कैमरे से खींची गई पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया मल्टी फंक्शन प्रिंटर के बारे में जानकारी। अगला जो प्रिंटर है वो है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, लेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। जैसे प्रिंटर होता है ना, सेम ऐसे ही हमारा प्लॉटर भी होता है, लेकिन प्रिंटर हमारा पेपर प्रिंट कर सकता है, लेकिन जो प्लॉटर होता है यह प्लॉटर हमारा कपड़े पर भी छाप सकता है, रेक्सीन पर भी प्रिंट कर सकता है, प्लास्टिक पर भी प्रिंट कर सकता है, किसी भी मीडिया पर प्रिंट कर सकता है। जैसे बैनर छापने वाली मशीन जो आप लोग देखते हैं ना,
वह एक प्रकार का प्लॉटर ही, ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है, यानी इसके द्वारा जो प्रिंटिंग होती है वो उभरी हुई होती है, उसमें 3 डायमेंशंस भी हो सकते हैं। इसका प्रयोग चित्र छापने में, चार्ट छापने में, ग्राफ छापने में, या कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो प्लॉटर के माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ियों के नंबर प्लेट प्रिंट करने वाली जो मशीन देखते हैं वो भी एक प्रकार का प्लॉटर ही होते हैं। तो ये था आज का हमारा आउटपुट डिवाइस का टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। राकेश कुशवाहा जी बोले हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला क्वेश्चन है सर, प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल भी बता दीजिए। इसका तो इसका एग्जाम्पल सीपीयू है, इसका कोई और एग्जाम्पल है क्या? प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल, देखिए प्रोसेसिंग शब्द का मतलब होता है इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वह डिवाइस हमारे सीपीयू। तो प्रोसेसिंग हर जगह होती है। हमने आपको पहले दिन की क्लास में बताया था, जैसे आटा पीसने वाली चक्की का मैंने एग्जाम्पल दिया था, वहां भी मैंने प्रोसेसिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यानी गेहूं को पीसा जा रहा है, आटे में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो भी वर्क बीच में हो रहा है वो वर्क को प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है, और उसको कंप्लीट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा सीपीयू। सैयद दिलशाद फैज बोलते हैं सर एलसीडी में सीपीयू लगा दें तो कंप्यूटर हो जाएगा। बिल्कुल, कंप्यूटर में क्या है, एक एलसीडी है, एक सीपीयू है, और इनपुट आउटपुट के लिए आपका जो कीबोर्ड और माउस है, यही तो सब चीजें हैं। अविनाश चौधरी जी लेफ्ट कर चुके हैं क्योंकि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो आप परेशान मत हो, हम आपको जो है रिकॉर्डिंग का वीडियो भेज देंगे। कल थोड़ा सा डाटा स्लो हो गया था इसलिए रिकॉर्डिंग की वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो पाई थी, जिसको आज मॉर्निंग में मैंने अपलोड किया था। आज की क्लास का वीडियो आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। अगर आपको वॉइस में कुछ दिक्कत है तो आप वहां पर देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर में से हम क्या 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 कर सकते हैं? देखिए आजकल लेजर प्रिंटर भी मल्टी फंक्शनल आ रहे हैं। जैसे आप एचपी वगैरह के प्रिंटर देखें, एचपी का एक मॉडल आता है HP 1005, तो इससे जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो कॉपी भी कर सकते हैं। बस लेजर प्रिंटर और थर्मल इंकजेट प्रिंटर में ही अंतर है। लेजर प्रिंटर हमारा पावर ज्यादा कंज्यूम करता है अपेक्षाकृत हमारा इंकजेट प्रिंटर के। अरुण सिंह का क्वेश्चन है डीपीआई का फुल फॉर्म, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, फैक्स क्या है? विकास सिंह का क्वेश्चन है फैक्स क्या है? देखिए फैक्स के समय पहले किया जाता था लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। कोई भी हार्ड कॉपी है ना, जैसे हम आजकल स्कैन करके मेल कर देते हैं तो हमारा वहां पर पहुंच जाता है, सेम ऐसे काम पहले फैक्स मशीन के द्वारा होता था। तो वहां पर लैंडलाइन का इस्तेमाल किया जाता था, तो फैक्स मशीन में जैसे हम पेपर को इंसर्ट करते थे और उस नंबर को एंट्री करते थे जिस नंबर पर हमें भेजना है, तो वहां पर वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता था। तो फैक्स भी भेजने का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब चूंकि फैक्स मशीन आजकल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उससे ज्यादा आसानी से हमारे पास डिवाइस उपलब्ध है। आजकल सबसे इजी माध्यम आपका व्हाट्सएप बन गया है। आपको कुछ भी पेपर किसी पास भेजना है, आप मोबाइल ऑन करिए, पेपर को नीचे रखिए, फोटो खींच क्लिक करिए, तुरंत सेंड कर दीजिए, जबकि फैक्स मशीन टाइम टेकिंग होता था। दिव्याशी सिंह का क्वेश्चन है सर सभी आउटपुट डिवाइस में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर प्रिंट है? नहीं, वैसे देखा जाए तो सारे आउटपुट डिवाइसेस हमारे एग्जाम्पल हैं। भाई अगर हमको चित्र देखना है तो हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, साउंड देखना है तो हम जो है प्रिंट स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, सबका अपने अपने जगह पर इस्तेमाल है। उत्कर्ष राज त्रिपाठी बोल रहे हैं सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, नोट्स बनाना है। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और आप लोगों के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी वीडियोस दी जाती है उसको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, रेगुलर देखेंगे। कोई भी टॉपिक अगर जैसे कल आपने इनपुट नहीं पढ़ा, आज आप आउटपुट पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको इस मन में डाउट्स रहेंगे,
जो लोग फर्स्ट डे की क्लास नहीं किए होंगे, प्रोसेसिंग नहीं समझ में आई होगी, तो इसलिए मैंने, चूंकि पहले दिन मैंने प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने आज प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि जो चीज आपको पहले आपको पढ़ाया जाएगा, पहले आप उसको पढ़ें, और अच्छा आपको तब समझ में आएगा कि आप उस चीज का वीडियो पहले से देखें। जैसे मान लीजिए कल मुझे सीपीयू पढ़ाना है, तो आज शाम को मैं सीपीयू का एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप उस सीपीयू का वीडियो आप देखिए, सीपीयू की बुक जो है, सीपीयू को बुक से भी पढ़िए, फिर उसको सीपीयू की कल क्लास में भी पढ़िए। तो इससे तीन जगह आपको पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। एक तो एडवांस जो मैंने सीपीयू का वीडियो आपके साथ शेयर किया, उस सीपीयू की वीडियो को आप पढ़िए। दूसरा, सीपीयू का जो बुक में कंटेंट है, उस बुक की कंटेंट को पढ़िए। तीसरा, जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आप पढ़िए। फिर चौथी बार ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो इसकी तरह जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो कोई भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। साजिद अली थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू आपको भी। फिर सोनी जायसवाल जी का क्वेश्चन है, सर प्लॉटर एंड फोटो प्रिंटर सेम है क्या? नहीं, फोटो प्रिंटर, देखिए प्रिंटर और प्लॉटर में मेन अंतर क्या है, प्रिंटर जो है केवल और केवल कागज पर छापता है। यानी अगर हमें कागज पर प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लॉटर का इस्तेमाल हम कागज पर प्रिंटिंग के लिए नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल प्लास्टिक पर प्रिंटिंग करना हो, कपड़े की प्रिंटिंग करना हो, जैसे आप बैग पर देखिए, आपकी बैग पर डिजाइन छपा हुआ है ना, तो बैग पर जो डिजाइन प्रिंट होता है वह प्लॉटर से होता है। जो बैनर बनते हैं, फ्लैग्स, उस पर जो प्रिंटिंग होती है प्लॉटर से होती है। जो आपके गाड़ियों के नंबर प्लेट बनते हैं, उनकी भी प्रिंटिंग जो है प्लॉटर मशीन से की जाती है। अगला क्वेश्चन विकास जायसवाल का है, सर कंप्यूटर का ऑल फाइल या फोल्डर हार्ड डिस्क में होता है क्या? हाँ, कंप्यूटर में जो भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं, सब कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क पर ही स्टोर होता है। ये बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जब प्रैक्टिकल हम लोगों का स्टार्ट होगा तो वहां इसको हम लोग डेप्थली कवर करेंगे। सर 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग में प्रिंटिंग हमारी उभरी हुई दिखाई देती है, यानी उसमें उसको जैसे 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग के ऊपर जब हम हाथ ले जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ उभरा हुआ चीज है, कोई ऐसा सरफेस है जो उभर कर हमारे सामने आ रहा है, वो 3D प्रिंटिंग। जो प्रिंटर स्पेशली स्कैन करता है उसको इनपुट डिवाइस में रख सकते क्या? हाँ विकास रोनियार, विशाल रोनियार, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई प्रिंटर हमारा केवल स्कैनिंग का काम करता है तो उस प्रिंटर को हम स्कैनर बोलते हैं, उसको तो प्रिंटर नहीं बोलेंगे, तो उसको स्कैनर बोला जाएगा। और जब वो स्कैनर होगा तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और अगर ऑल इन वन है तो हमारा इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी अभी कुछ समय बचा हुआ है, आप लोगों के दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए एक बार अपने टॉपिक की तरफ हम लोग वापस जाते हैं। कल ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का लेसन पढ़ाया जाए। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का लेसन कल की क्लास में जो पढ़ाया जाना है, हम आप लोगों से यही कहेंगे, इसका वीडियो हम आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, एडवांस में शेयर कर देंगे आज इवनिंग में ही। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, बाकी कल क्लास में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, प्लस किताब में जो कंटेंट दिया गया है उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो जब किताब से भी एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार पहले से वीडियो देखे रहेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में, और फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे फंडामेंटल की थियोरी के लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको बोरिंग फील होता है, लेकिन नहीं, इसी से हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है। प्रैक्टिकल जिनको लोग बगैर पढ़े भी आजकल कर लेते हैं, लेकिन बगैर पढ़े आपको थियोरी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आपसे कहेंगे कि आप फंडामेंटल की क्लास में अपने आप को बोरियत फील मत करिए, आप उन चीजों को ध्यान समझिए, उन चीजों को अच्छे से समझिए, उसके बाद जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको ग्रुप में पूछिए। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।